किडनी रोगी अब ना हो परेशान, क्योंकि विश्व विख्यात होम्योपैथी डॉक्टर दिनेश मोहन ने बिना ऑपरेशन ढूंढ निकाला है किडनी रोग का सफल इलाज। डॉक्टर दिनेश मोहन वैसे तो एक जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन साल 2001 उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया जो किडनी रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ। दरअसल साल 2001 में डॉक्टर दिनेश मोहन की माताजी की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से हो गई थी। बस यही दुख का पहाड़ डॉक्टर दिनेश मोहन को हृदय रोग विशेषज्ञ से किडनी रोग विशेषज्ञ भी बना गया। डॉक्टर दिनेश एक ऐसे अमूल्य चिकित्सक हैं जो किडनी का बिना ऑपरेशन सफल इलाज करते हैं। अब इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य किडनी रोगियों को नया जीवन देना है, और इस उद्देश्य को पाने में उन्हें भारी सफलता भी मिली है। यही वजह है कि प्रमुख अखबारों में उनकी सफलता के किस्से प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर दिनेश जी का अंबाला में मोहन होम्यो क्लिनिक भी है, जहां हृदय रोग व किडनी की गंभीर से गंभीर बीमारियां होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर मोहन का मानना है कि किडनी का गंभीर से गंभीर रोग भी आसानी से ठीक हो सकता है, आवश्यकता है तो बस हौसला रखने की। नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किडनी रोग का सफल इलाज में। हम आप सभी को बहुत सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देती हैं कि अगर इन केस आपकी किडनी फेल हो जाती है, किडनी से संबंधित बहुत सारे रोग, बहुत सारी तकलीफें आपको घेरने लगती हैं, तो आपको क्या कुछ विशेष करना चाहिए, किस प्रकार से आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो चलिए आज फिर से अहम बातें, अहम जानकारी लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं, और ये सारी जानकारी आज हमें फिर से देंगे हार्ट एंड किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश मोहन जी, जो वर्षों से एक मुहिम चलाते आ रहे हैं कि किसी के जीवन में भी किडनी फेलियर से संबंधित कोई भी तकलीफ ना हो, और तकलीफ हो तो वो बहुत जल्द दूर हो जाए। चलिए आज भी लेते हैं उनका मार्गदर्शन, और सबसे पहले लेकिन करते हैं उनका स्वागत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। डॉक्टर साहब जब भी आप इस कार्यक्रम में आते हैं मेरे मन में एक विश्वास जाग जाता है कि आज फिर से किसी ना किसी की समस्या का समाधान हम जरूर देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए मेल पढ़ के सुनाने वाली हूँ। आज फिर से हमारे पास एक मेल आई है, ये मेल हमें भेजी है नाजी एमडी असलम ने, जिनकी एज है 64 इयर्स और ये पटना बिहार में रहती हैं। इन्होंने लिखा है, 4 साल पहले मेरी बाईपास सर्जरी हुई है जिसका मुझे विशेष लाभ नहीं हुआ। अब मेरे पैरों में सूजन व सांस लेने में दिक्कत होती है, चेक करवाने पर गुर्दे फेल बताए गए हैं। इन्होंने लिखा है, मुझे डायलिसिस करवाने और गुर्दे बदलवाने की सलाह भी दी गई है। इनका सवाल ये है, क्या होम्योपैथिक दवा द्वारा डायलिसिस एवं महंगे किडनी ट्रांसप्लांट द्वारा बचा जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है, क्या हृदय रोग का इलाज भी संभव है, बताइएगा। सभी व्यूअर्स को मेरा विनम्र नमस्कार हो। किडनी फेल के सफल होम्योपैथिक इलाज के बारे में मैं आज अपने वर्षों के अनुभव, अपना दृढ़ आत्मविश्वास आज आपके साथ बांटने आया हूँ। हाजी मोहम्मद जी, ये जो आपने हमें ईमेल भेजी है, इसमें आपका आपने बताया कि आपको पहले हृदय की तकलीफ़ आई जिसमें कि बाईपास सर्जरी की गई, बाईपास सर्जरी से आपको विशेष लाभ ना हो सका। ये लाभ क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा अभी आगे। अब आपको जो किडनी की समस्या बन गई है धीरे धीरे कुछ समय के बाद, जिसमें कि आपको पैरों में सूजन आ गई, कुछ सांस की कोई दिक्कत आई, कुछ डायलिसिस के लिए आपको सलाह दी गई डॉक्टर्स ने, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम आपको डायलिसिस से तुरंत बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक इलाज पहले कहा जाता था कि ये धीरे धीरे काम करता है, भैया फटाफट दूसरी दवाई खा लो, ऑपरेशन करा लो, पता नहीं दवाई कब काम करेगी या नहीं करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी ने कि एक आविष्कारी खोज मैंने की है, एक चमत्कारी परिणाम मैंने केसेस में पिछले 15 वर्षों के अंदर हासिल किए हैं किडनी के मरीजों में, और जिसमें मैंने कर दिखाया है कि होम्योपैथी का इलाज अब स्लो नहीं है, वो बहुत फास्ट है, और पेशेंट को बहुत जल्दी डायलिसिस से बचाया जा सकता है। डायलिसिस कराने की अभी आपकी स्टेज नहीं है, हमें
आपको ठीक करना है। किडनी की बीमारी है क्या, आज हम बारे में बात करें। किडनी की बीमारी क्या केवल किडनी में ही है या इसकी कोई और शाखाएं भी हैं? किडनी डिजीज़ एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा मल्टी सिस्टम गड़बड़ी है जो कि पूरे शरीर के ऊपर असर करती है। किडनी के मरीजों में सबसे पहले देखा गया कि इनका शुरुआत कहाँ से हुई। एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया कि मेरे तो नाक से ब्लड आ रहा है। अरे ब्लड क्यों आ रहा है इसका? तो ब्लड आ रहा तो देखा गया, सारे चेकिंग करेगी कि अरे इसकी तो किडनी काम नहीं कर रही। ब्लीडिंग, हेमरेज होना, नाक से हेमरेज होना या पेशाब के अंदर ब्लड आना या किसी और हिस्से से ब्लीडिंग होना किडनी डिजीज़ का एक विशेष लक्षण माना गया है। कई पेशेंट्स मेरे पास देखा मैंने उनमें कि एक यंग लेडी, अभी 2-4 साल का बच्चा है, पकड़ पकड़ के घर में लेके जा रहे हैं। अरे मुझे तो दिखना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? उसकी आँखों में ब्लीडिंग हो जाती है, विट्रस हेमरेज हो गया, रेटिना के अंदर रेटिनल हेमरेज हो गया, आँखों में ऐसे ऐसे चेंजेस आ गए, सडनली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया। दिल आँख की जो नालियाँ हैं वो, आँख के जो ब्लड वेसल्स हैं, बारीक बारीक ब्लड वेसल्स, उनके अंदर चेंजेस आ गए जिसकी वजह से उसको विजन डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। और ये स्टार्टिंग सिम्टम है, किसी को पता नहीं है किडनी फेल हो गई है, लेकिन जब उसको चेक किया गया हॉस्पिटल में तब पता लगा अरे तो किडनी फेल हो गई। आप देखिए कि किडनी की बीमारी कैसे असर कर रही है। कभी नाक से ब्लड आ रहा है, कभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वुमेन के अंदर मेंसेस में हैवी ब्लीडिंग हो रही है, कभी उसकी आँखों में ब्लीडिंग हो रही है। ये देखिए कैसे किडनी की बीमारी पूरे शरीर के ऊपर असर कर रही है। पेशेंट्स के अंदर बहुत हाई बीपी बहुत बढ़ जाता है, 200/220 तो कॉमनली मैंने पेशेंट्स के अंदर देखा। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए हैं। हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, इन सब केसेस में देखने में आई। सांस का रोग, सांस फेफड़े भी ठीक काम नहीं करते, देखिए कैसे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। इसके साथ साथ मन बहुत स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वरी, फियर, एंग्जाइटीज, डिफरेंट लक्षण हमारे मन को ख़राब कर देते हैं। ये सब चीज़ों को मिलके एक मल्टी सिस्टम गड़बड़ी बनी जिसको कि हम होम्योपैथी की हीलिंग डायनामाइट्स की गोलियों द्वारा बहुत जल्दी राजी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे हाजी जी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पे नाजी जी, आपको बता दिया गया है कि आप क्या कुछ विशेष कर सकती हैं, कैसे इस ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकती हैं, और दर्शकों अगर आप भी ऐसे ही लाभ उठाना चाहते हैं इस ट्रीटमेंट का और आप अपने किडनी से संबंधित कोई भी रोग, कोई भी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, तो मोहन होम्यो क्लिनिक्स जो कि अम्बाला में है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल आप सभी से आप चाहेंगे इजाज़त, जाने से पहले हर बार की तरह डॉक्टर साहब तहे से आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम हौसला प्रसाद है, मैं जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरा 2011 में किडनी ख़राब हो गई थी, मैं चंडीगढ़ से इलाज कराना शुरू किया था, वहां पर मेरी 4 डायलिसिस हुई थी। उसके बाद मैं अम्बाला शहर में अपनी डायलिसिस करवाया 8 बार, जिसके बाद मुझे डॉक्टर दिनेश मोहन सर का पता चला कि उन्होंने होम्योपैथिक इलाज करते हैं। मैं उनके यहाँ से दवाई लेना शुरू किया, उसके बाद मेरा डायलिसिस बंद हो गया, जो कि मैं 3 साल से अब बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ और मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब का अपने परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा जीवन बचाया है। मोहन होम्यो क्लिनिक्स में किडनी रोगों के साथ साथ हृदय रोगों का भी सफल इलाज किया जाता है। अब दिल की बंद नलियों को बिना ऑपरेशन खोला जा सकता है। बाईपास सर्जरी से बचें, हृदय के खराब वाल्व का बिना ऑपरेशन इलाज, नब्ज की कमी, पेसमेकर की आवश्यकता नहीं, हृदय के सुराख का सफल इलाज। हमारा पता है मोहन होम्यो क्लिनिक्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, अम्बाला शहर, हरियाणा। संपर्क सूत्र 0171251118, 0981205518। हमारा ईमेल एड्रेस है mohanhomeo@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.kidneyhealing.com।